हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पोस्टमैन टूल के बारे में देखा था। आई होप आपने वो सेटअप कर लिया होगा। और यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जो है अगर हम कुछ आईडी में मिसमैच करते हैं तो हमारे पास ये कास्ट एरर यहाँ पर शो करता है, जो कि हमारे पास HTML की फॉर्मेट में शो हो रहा है। तो इसको हम जो है मिडलवेयर्स के थ्रू जो है यहाँ पर इसे ठीक करेंगे। तो मिडलवेयर्स क्या होते हैं, देखिए मिडलवेयर्स क्या होता है, ये सिंपली फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से जो है हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हमारे पास सिंपली मान लीजिए ऑथेंटिकेशन है तो ऑथेंटिकेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर्स के थ्रू जो है मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप गूगल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास medium.com का एक आर्टिकल है जिसमें बहुत अच्छे से मिडलवेयर्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि मिडलवेयर्स फंक्शंस आर फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड होती है तो इसमें हमारे पास मिडल में एक फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है। अगर वो मिडल का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तभी हमारी रिक्वेस्ट जो है आगे फर्दर प्रोसेस होगी। तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे हम यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप नीचे कॉमेंट करें, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर आप इस आर्टिकल को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप गूगल करें, वहां पर बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें मिडलवेयर फंक्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एप्लीकेशन की तरफ, और हम क्या करेंगे, मिडलवेयर फंक्शन को अलग से एक फोल्डर के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है कि हम हर चीज को एक सेपरेट फोल्डर में रखें। तो देखिए यहाँ पर बैकएंड फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें और इसका नाम आप रखें मिडलवेयर्स, और इस मिडलवेयर्स के अंदर जो है हम अभी और इन फ्यूचर जब भी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एरर के लिए मिडलवेयर क्रिएट कर देंगे, एरर middleware.js। तो मिडलवेयर सिंपली क्या है, हमारे पास फंक्शंस है। तो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले हम जो है एरर के लिए करते हैं एरर हैंडलर, और इसके अंदर जो है हम कॉल बैक ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसको एरो फंक्शन बना देता हूं, प्लस हो गया, इसको कट करें, फैट एरो सिंबल। और ये जो एरर हमारे पास फंक्शन है ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है, जैसे कि एरर, फिर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सिंपली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मिडलवेयर कहते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है स्टेटस कोड को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है हमारे पास जो है हम पोस्टमैन पर जब कुछ भी URL हिट कराएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ हमको स्टेटस बताता है, जैसे कि अभी सही बता रहा है कि 500 यानी कि इंटरनल एरर। मगर बहुत टाइम क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर 200 बताएगा, जैसे कि देखिए हमने जो है ऑल प्रोडक्ट यहाँ पर फेच कराए थे तो उसके लिए है 200 यानी कि ओके होता है। कभी कभार हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 200 शो होता है लेकिन यहाँ पर हमको एरर शो होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी फिलहाल हमको एरर आना है ना कास्ट का, तो वैसा एरर शो होता है। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और एरर हैंडलर। तो स्टेटस कोड को हम यहाँ पर जो है हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए आप स्टेटस कोड, स्पेलिंग का खास ध्यान रखें। तो स्टेटस कोड को हम कैसे करेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्स में आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अगर 200 है तो इसको हम क्या कर देंगे 500 कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे इसको एज इट इज रहने देंगे स्टेटस कोड। सॉरी उल्टा कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर 200 है तो उसको 500 कर दो, नहीं तो स्टेटस कोड कर दो। यहाँ पर ये सेट हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है स्टेटस को सेंड करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हमको ये स्टेटस कोड जो है सेंड करना है। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये स्टेटस कहाँ से आया, तो देखिए अगर आपने राउट्स में देखा होगा तो हमने कहाँ पर सेट किया था, देखिए ये स्टेटस 400, तो ये वाला स्टेटस हमने यहाँ पर अब इस स्टेटस कोड के अंदर जो भी हमारे पास आएगा उससे हम जो है रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक के हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मैसेज भी शो करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे कास्ट ऑब्जेक्ट जो है यानी कि कास्ट एरर जो आ रहा था ना ये HTML के फॉर्मेट में आ रहा था जो कि सही नहीं है। तो हम इसको JSON में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो JSON में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स को जो है JSON लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट JSON, और इस JSON के अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट पास करा देंगे। सबसे पहले जो रहेगा हमारे पास मैसेज रहेगा, और मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर डॉट मैसेज लिखेंगे, क्योंकि एरर के अंदर जो भी मैसेज रहेगा
हम यहाँ पर उसको प्रिंट करा देंगे। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, स्टैक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टैक क्या होता है, देखिए हमारे पास आपने अगर नोटिस किया होगा तो कंटिन्यू एरर्स की यहाँ पर हमको लिस्ट मिलती है, यानी कि स्टैक मिलता है एरर के बाद में, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ये हम सिर्फ डेवलपमेंट मोड में करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन पे हमको नहीं चाहिए स्टैक। तो आप लिखें यहाँ पे स्टैक, और स्टैक के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट, यहाँ पे हमारे पास है नोड अंडरस्कोर ईएनवी, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट। अगर प्रोडक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन है तो नल कर दो, नहीं तो क्या करो एरर डॉट स्टैक, यानी कि इसका स्टैक हमको दे दो। यानी कि इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर हम प्रोडक्शन पे नहीं है तो हमको जो है एरर दो, यानी कि स्टैक दो यहाँ पे। अभी हमारा फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लें और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू लिखूंगा, तो मैंने लिखा एरर हैंडलर। अब इसको सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में आना है, सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट आप कहीं पर भी करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस छोड़ देंगे सबसे पहले, और यहाँ पर रिक्वायर के लिए डॉट स्लैश मिडलवेयर्स, और मिडलवेयर्स के अंदर हमारे पास है एरर मिडलवेयर। और इसके अंदर से हमको क्या चाहिए, अभी फिलहाल हमने एक ही फंक्शन क्रिएट किया है ना, यहाँ पर एरर हैंडलर, क्योंकि मल्टीपल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर हम जो है एरर हैंडलर को यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ऐप डॉट यूज लिखना है, ऐप डॉट यूज, और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एरर हैंडलर, तो यहाँ पर ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसको सेव करें, वापस चलते टर्मिनल पर, आई थिंक नोडमोन चालू है, ठीक है नोडमोन स्टार्ट था, तो यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश हो चुका है। अगर नहीं है तो आप वापस से जो है आपकी एप्लीकेशन को रन करें, यानी कि नोड सर्वर को, और चलते हैं वापस से पोस्टमैन पर। तो पोस्टमैन पर आएंगे, वापस से हम जो है यूआरएल को इस यूआरएल को हिट कराएंगे। अभी हमारे पास एचटीएमएल में एरर आ रहा था, तो चलिए चेक करते अब कैसा एरर आता है। यहाँ से हमने सेंड किया इसको, तो देखिए परफेक्ट हमारे पास, देखिए यहाँ पर एरर अब जेसन ऑब्जेक्ट में आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये मैसेज है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टैक भी हमारे पास शो हो रहा है। कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू, यहाँ पर यानी कि हमारे पास सिंपल ये बताना चाह रहा है कि आईडी का इशू है। तो ये सक्सेसफुली हमारे पास एक एरर हैंडलर बन चुका है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने जो है इस मैसेज को और इस स्टैक को यहाँ पर प्रिंट कराया। आई नो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, हम जो है आने वाले वीडियोज में और इसको ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, और वहां पर हम जो है पेज नॉट फाउंड और कस्टम एरर्स हम npm पैकेजेस की मदद से भी कैसे करते हैं तो वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है रिडक्स स्टार्ट कर देंगे, और अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं जो है सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें, और सीधा npm इंस्टॉल की कमांड के साथ, एक तो आपको रूट में इंस्टॉल करना है और फिर आपको फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जो है कमांड रन करनी है npm इंस्टॉल की, तो दोनों ही पैकेज जो है डाउनलोड हो जाएंगे और फिर आप डायरेक्टली जो है इस प्रोजेक्ट को यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो है रिडक्स को देखेंगे, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दूंगा मैं, उसके बाद में हम डायरेक्टली जो है हमारे प्रोजेक्ट में रिडक्स और रिडक्स थंब को यूज करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,